BA 5th Semester Economics Unit 2, Concept of Poverty and Inequality, Vicious Cycle of Poverty, Lorentz Curve, Gini Coefficient, Concept of Human Development Index, Physical Quality of Life Index, Quality of Life Indices, Hunger Index, Happiness Index, Development and Sustainability, Concept of Sustainable Development, Millennium Development Goals. Definition of Poverty and Inequality. पॉवर्टी को दो अलग अलग तरीकों से नापा जा सकता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी तब होती है जब लोग खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आवश्यकताएं हासिल करने में सफल नहीं होते हैं. वर्ल्ड बैंक एब्सोल्यूट पॉवर्टी को किसी देश की पॉपुलेशन के उस परसेंट के रूप में डिफाइन करता है जो प्रतिदिन $1.90 से कम पर जीते हैं. रिलेटिव पॉवर्टी हाउसहोल्ड इनकम का वह लेवल है जो किसी विशेष देश की इनकम के एवरेज लेवल के एक सर्टन परसेंटेज से नीचे है. इनइक्वालिटी वह डिग्री है जिससे इनकम या पैसा पूरी पॉपुलेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है. विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी. विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जिसे जेनरेशनल पॉवर्टी के रूप में भी जाना जाता है, तब समझा जाता है जब एक परिवार की कम से कम दो पीढ़ियां गरीबी रेखा से नीचे होती हैं. गरीबी के विशेष साइकिल का मतलब है कि गरीबी ही गरीबी का कारण है. एग्जाम्पल के लिए, एक गरीब व्यक्ति अपने मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए कुछ और उधार लेगा, जिससे उसका कर्ज और बढ़ जाएगा. इसके अलावा उसे इंटरेस्ट पेमेंट की जिम्मेदारी भी उठाना होगा. इससे उसके कर्ज की टोटल अमाउंट में ही ग्रोथ होगी. वह इस कर्ज को अपने बच्चों को भी दे सकता है, जो गरीबी के इस जाल में फंसे रहेंगे. गरीब लोग गरीब ही बने रहते हैं और गरीबी की सिचुएशन को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं. लॉरेंज कर्व एंड जिनी कोएफिशिएंट. लॉरेंज कर्व को मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी को दर्शाने के लिए डेवलप किया था. दूसरे शब्दों में, यह इनकम या पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. किसी इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन लॉरेंज कर्व द्वारा दर्शाया जाता है और इनकम इनइक्वालिटी की डिग्री को जिनी कोएफिशिएंट के माध्यम से नापा जाता है. सरकार के 5 मेजर और कॉमन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स में से एक इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है. लॉरेंज कर्व से प्राप्त जिनी कोएफिशिएंट का उपयोग किसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स के रूप में किया जा सकता है. जिनी कोएफिशिएंट किसी पॉपुलेशन में इनकम इक्वालिटी की डिग्री को नापता है. जिनी कोएफिशिएंट 0 से 1 तक डिफरेंट हो सकता है. 0 का जिनी कोएफिशिएंट का मतलब है कि सभी की इनकम इक्वल है, जबकि 1 का कोएफिशिएंट यह बताता है कि एक व्यक्ति सभी इनकम प्राप्त कर रहा है. कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट को लोगों की फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने और उनकी भलाई में सुधार करने की प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया गया है. ह्यूमन डेवलपमेंट रियल फ्रीडम के बारे में है, जो आम लोगों को ये तय करने की होती है कि उन्हें कौन बनना है, क्या करना है और कैसे जीना है. ह्यूमन डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक द्वारा डेवलप की गई थी. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक मेजरिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रत्येक देश में इंडिविजुअल ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल का एवेल्युएशन करने के लिए किया जाता है. इसे 1990 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा पेश किया गया था. HDI इस बात पर जोर देने के लिए बनाया गया था कि किसी देश के डेवलपमेंट का हिसाब करने के लिए लोगों और उनकी क्षमताओं को अल्टीमेट क्राइटेरिया होना चाहिए, न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसी देश के जीवन की हुनर या भलाई को नापने का एक कोशिश है. ये वैल्यू 3 स्टेटिस्टिक्स का एवरेज है, बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट और 1 साल की उम्र में जीवन उम्मीद, सभी को 1 से 100 के पैमाने पर समान रूप से वेटेड किया जाता है. PQLI और HDI सिमिलर हैं. दोनों के बीच मेन डिफरेंस HDI में इनकम को शामिल करना और PQLI से इसे बाहर करना है. एक अर्थ में HDI
डेवलपमेंट की फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों विशेषताओं का रिप्रेजेंटेशन करता है और PQLI में जीवन के केवल फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कल्चर और वैल्यू सिस्टम्स के रेफरेंस में जीवन में अपनी पोजीशन के बारे में एक व्यक्ति की परसेप्शन जिसमें वे रहते हैं और उनके गोल्स, एक्सपेक्टेशंस, स्टैंडर्ड्स और चिंताओं के संबंध में के रूप में डिफाइन किया गया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स में वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और हॉलिडे का समय, सोशल बिलोंगिंग, रिलीजियस बिलीफ, सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्रीडम शामिल है। हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो ग्लोबली, रीजनली और देश के अनुसार भूख को नापने और ट्रैक करने का कोशिश करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूख के 3 डायमेंशंस को दर्शाता है, भोजन की बहुत थोड़ी अवेलेबिलिटी, बच्चों की न्यूट्रिशन स्थिति में कमी और चाइल्ड मोर्टैलिटी। हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स जीवन संतुष्टि, खुशी की भावना और अन्य खुशी को नापता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से आगे बढ़कर पॉपुलेशन के सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट्स के आधार पर देशों को रैंक करता है। डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी एक इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल है जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करती है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट है जो फ्यूचर की जनरेशंस की अपनी जरूरतों को पूरा करने की कैपेसिटी से समझौता किए बिना प्रेजेंट की जरूरतों को पूरा करता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 में यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियम समिट के बाद एस्टैब्लिश 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स थे। इन गोल्स का एम वेरियस ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान करना और 2015 के टारगेट ईयर तक ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स में सुधार करना था। यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 गोल है जिन्हें यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों ने ईयर 2015 तक प्राप्त करने का कोशिश करने पर सहमति जाहिर की है। 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ज्यादातर गरीबी और भूखमरी को मिटाना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हासिल करना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना और महिलाओं को बहादुर बनाना, चाइल्ड मोर्टैलिटी को कम करना, मैटरनल हेल्थ में सुधार करना, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना, डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप्स डेवलप करना।